भैया जी फिल्म के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे एक्टर मनोज बाजपेयी ने योगी सरकार पर क्या कहा, सुनिए। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और मशहूर हस्ती मनोज बाजपेयी जी इस समय हमारे साथ हैं और 100 का शतक छूने जा रहे हैं क्योंकि इनकी 100 फिल्म होगी। लखनऊ में मौजूद है, भैया जी फिल्म इनकी आ रही है, एक्शन थ्रिलर इमोशन सब चीजों से भरी हुई है। आइए पहले सर का स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर हमें ये बताएं कि भैया जी कौन है, क्योंकि ये फिल्म आपकी काफी अलग है। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब भैया जी परिवार वाले आदमी हैं, छोटे गांव के आदमी हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, सम्मान करते हैं लोग उन्हें। एक तरीके से कहें तो जैसे कहते हैं ना रॉबिन हुड वाली इमेज है उनकी, कि सबका ख्याल रखने वाले, गांव के हर आदमी को साथ लेके चलने वाले, किसी के ऊपर कोई मुसीबत आए तो सबका ख्याल रखने वाले। साथ ही साथ वो बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनका ये ख्याल भी रखते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति हैं वो। लेकिन जिम्मेदारियों के कारण अपनी जो आकांक्षाएं थी, जो अपनी जो चीज़ें थी उसको उन्होंने जो है पीछे रख दिया था। यहाँ तक कि इतने साल हो गए उन्होंने शादी भी नहीं की। अब जब शादी होने वाली थी उनकी इतनी लेट, तभी कुछ ऐसी मुसीबत आती है जहाँ पर उनको चुनाव करना है कि परिवार के इस इमोशन को आगे लेके जाया जाए या फिर स्वार्थी होकर घर पे बैठा जाए और बाकी जो होगा वो पर्दे पे है जी। सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिस पे इसके बाद हम देखेंगे, या सिर्फ फोकस अभी इस पे है? अभी तो फोकस इसी पे है कि ये रिलीज़ हो जाए, अच्छे से रिलीज़ हो। रिलीज़ के एक हफ्ते के बाद तक का हमारी पूरी एक्टिविटी है और उसके बाद फैमिली मैन की शूटिंग एक शेड्यूल हो चुका है छोटा सा, फिर एक दो दिन की और शूटिंग करूंगा, फिर फैमिली मैन की शूटिंग होगी आपको सितंबर के एंड में। हम लोग असम वगैरह जाएंगे, वहाँ शूटिंग होगी। इस साल तो यही काम कर रहा हूँ मैं, फैमिली मैन को ख़त्म करना है। बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि 8-9 एपिसोड का मतलब होता है कि आप 3 फिल्म के बराबर का काम होता है, तो उसके अलावा आप कुछ कर नहीं पाते हो जी। सर मेरा आपसे एक सवाल ये भी है क्योंकि हमने आपको हर तरह के किरदार में देखा है, लेकिन कहीं अभी भी आपके मन में कोई ऐसा किरदार है जिसे आप निभाना चाहें, कोई ऐसी शख्सियत जिसका रोल आप निभाना चाहें? मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा जो है ओपन रहता हूँ कि जो स्क्रिप्ट आएगी उसमें से चूज़ करूँगा कि मुझे कौन सी करनी है, और फिर मैं उसको पूरा जी जान से मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ ताकि लोगों को, न सिर्फ मुझे बल्कि लोगों को एक नया अनुभव मिले, उस पर मेरा हमेशा ध्यान रहता है। सर मेरा एक आखिरी सवाल, आपकी इस फिल्म का कोई मशहूर डायलॉग एक बोल दीजिए जिससे हम तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर हो रहा है इस समय जो ट्रेलर, क्योंकि बहुत मशहूर हुआ और इस फिल्म के बारे में जो चर्चाएँ हो रही हैं जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, वो ये कि भाई निवेदन नहीं नरसंहार होगा, लोगों को एक नए तरीके का एक जज्बा उसमें नज़र आ रहा है, तो जो कि मुझे अच्छा लग रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें टाइम देने के लिए। तो मनोज बाजपेयी जी को आप सुन रहे थे जिनकी फिल्म भैया जी आ रही है और जिसको लेके दर्शक काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, और ख़ास बात ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलग अलग लोकेशंस पे इसे शूट किया गया है और बेसब्री से लोग इसका इंतज़ार करें। तो अगर आप भी इस फिल्म को लेकर के इंतज़ार करें तो यकीनन सिनेमा हॉल में जाइए और अपनी सीट बुक करिए और देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार से एक्टर मनोज बाजपेयी ने क्या मांग की है, सुनिए। उसके अलावा जो लखनऊ में जो सब्सिडी मिल रही है लोगों को, और मैं तो निवेदन करूंगा और उसको जो है बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि देखिए उसके कारण मुंबई से लोग भागे भागे यहाँ पे आते हैं। अब स्टूडियो तो अभी नहीं है लेकिन शूटिंग करने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि इस प्रशासन ने वो सुविधा दी, वो सुरक्षा दी, वो उनको जो है हर तरीके से उनकी मदद किया, चाहे परमिशन में, हर इस फिल्म में आप देखो इतनी मदद मिली है हमें कई सारे डिफिकल्ट लोकेशन की परमिशन लेने में, और यहाँ का प्रशासन, यहाँ की जनता वो मदद करती है, वो समझती है, वो एडजस्ट करती है, और साथ में हमारी यूनिट की सुरक्षा, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे बहुत ख्याल रखा जाता है। तो जहाँ भी ख्याल रखा जाता है हम वहाँ जाते हैं, इन सब जो भी इस तरीके से ख्याल रखता है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।